तो हेलो भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया? तो भाई, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि भाई आज ऐसे क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूंगा जो एक कार लेते वक्त, एक खासकर एक सेडान, एक वरना लेते वक्त आपके आप लोग के माइंड में सब में रहता है कि इज इट गुड टू गो फॉर अ सेडान और वी शुड जस्ट गो फॉर एन एसयूवी, फॉर एन एसयूवी। सो बस वही बात है भाई ग्राउंड क्लियरेंस की, कि क्या वरना का ग्राउंड क्लियरेंस, क्या एक सेडान का ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से सही है कि नहीं। तो अब इसका रिप्लाई मैं एक जगह पहले मैं पहुंच जाता हूं, मैं अपने लोकेशन वहां पहुंच जाता हूं, फिर मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। तो पहले भाई वो लोकेशन पे फटाफट पहुंच जाते हैं। पहुँच ही गए, बस वीडियो में बने रहिए भाई, पहुँच ही गए बस वो लोकेशन पर। तो वहाँ पर आपको मैं पहुँच कर बताऊँगा सर। थोड़ी आवाज़ आज बदली बदली लग रही होगी, थोड़ी मेरी तबीयत नहीं सही है, तो उसको भाई इग्नोर करना। तो भाई लोकेशन पे पहुंच गए अपने, ये एरिया आप देख सकते हो थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो भाई आज वरना का ग्राउंड क्लियरेंस अपन टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने की देखो भाई, ये वीडियो पर्पस के लिए मैं टेस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी भाई मैं चला चुका हूँ गाड़ी अपनी, मुझे अच्छा खासा आइडिया है कि मेरी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है। अब नंबर्स की बात करें तो भाई वरना में आता है अराउंड 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और ये ग्राउंड क्लियरेंस सुनने में काफ़ी कम लगता है। लाइक पीपल आर लाइक कि नेक्सॉन में 210 mm मिल रहा है, वेन्यू में 200 mm मिल रहा है, 195 mm मिल रहा है टू बी स्पेसिफिक। तो ये 165 mm जो ग्राउंड क्लियरेंस वरना में मिल रहा है, क्या वो इनफ है? तो भाई इसके लिए भाई मैं अगर मैं अपना पहले एक्सपीरियंस बताऊँ तो भाई बिल्कुल इनफ है भाई। पहली बात तो यार आप एक बात गौर करना, यहाँ पर डिफरेंस कितना मिल रहा है। मान लो मैं वेन्यू से कंपेयर कर रहा हूँ, तो वेन्यू में और वरना में अराउंड 30 mm का डिफरेंस है, 30 mm का ना, 165 इसमें, 195 उसमें। तो भाई 30 mm कितना हो गया? ये एक इंच से थोड़ा ज़्यादा हो गया। एक इंच होता है अब आपका अराउंड ढाई सेंटीमीटर, मतलब 25 mm। तो भाई ये अराउंड एक इंच से थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो भाई आप बताइए कि आप एक डेढ़ इंच के लिए आप इतना सोचना आपको ज़रूरत है कि यार भाई वरना के लिए जाएँ या वेन्यू के लिए जाएँ ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में? भाई आप बेसिक नॉलेज लगाओ यार, ये शायद ही मतलब बहुत ही कम लोग ये बताते हैं यूट्यूब पर। तो भाई ये मैं बता रहा हूँ आज आपको, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि मैं सोचा आप लोगों से डिस्कस करूँ भाई। तो आप लोग बताओ भाई, क्या ये एक डेढ़ इंच के लिए आपको सोचना चाहिए कि आपको गाड़ी मतलब पूरी ग्राउंड क्लियरेंस के जैसे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो कि मुझे वरना नहीं लेनी चाहिए, मुझे वेन्यू लेनी चाहिए, उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा एसयूवी है? तो भाई ऐसा नहीं है यार, वो अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल का थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोल होता है। जो गाड़ी का अप्रोच एंगल डिपार्चर एंगल होता है, ये आप फोटो देख लेना, एसी की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस का फर्क होता है भाई। लेकिन अगर मैं बताऊं तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है वरना का। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी चला के देखता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यहाँ रास्तों के हिसाब से। तो चलो भाई पहला गियर लगाते हैं, चलते हैं। देखो भाई रास्ता यहाँ पे, और भाई ये वरना की राइड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। देखो यहाँ पे रास्ता काफी खराब है, ठीक है, पता नहीं आप लोगों को आइडिया लग रहा है कि नहीं, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ यार, ये ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। चलिए यहाँ पे देखिए, ये है बम्प है, मैं इस पे गाड़ी चला के दिखाता हूँ आपको, कहीं नहीं लगेगी, लगेगा तो आवाज़ आएगा आपको। देखो भाई आराम से, कहीं आपको रगड़ने की आवाज़ आई? भाई बड़े से बड़े बम्प जो लाइन क्रॉसिंग पे होते हैं, रेलवे क्रॉसिंग पे, भाई उस पर भी मैं कभी कभार ऐसा है ना, बिना ब्रेक मारे में जब मैंने चढ़ा दिया है गाड़ी, और फिर भी भाई वो स्पीड में भी गाड़ी जाने के बाद भी वो गाड़ी कहीं नहीं लगी है। यहाँ पर एक और एक गड्ढा है, गाड़ी नीचे गई, निकल आई बस आराम से। भाई यही बात कर रहा हूँ मैं, लाइक ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भाई मेरे हिसाब से यार वो एक डेढ़ इंच का यार वो माइंड में रखना ही नहीं चाहिए भाई। सेकेंड, बस यार ये एक मिथ बन के बैठ गया है इंडियंस के माइंड में कि यार नहीं वरना सेडान है, वेन्यू एस क्रॉस और ये ब्रेजा नेक्सॉन ये एसयूवी है, वरना का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत खराब है। ऐसी बात नहीं है भाई, वरना का ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है। तो इस वीडियो से आपको काफी जानने को मिला होगा कि
क्या होता है ऐसे, मतलब जो मिथ बैठ के रह गया है सबके माइंड में कि नहीं भाई सेडान्स आर ऑलवेज बैड। सेडान्स की तो बात मैं नहीं करूँगा, मैं वरना की बात करता हूँ भाई। कई सेडान्स ऐसे इसका ग्राउंड क्लियरेंस और कम है तो उसमें कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन वरना के मामले में भाई नहीं। देखो यहाँ पे जैसे एक ये ढलान सा है, तो मैं चढ़ाऊँगा स्पीड से चढ़ाऊँगा, कुछ नहीं हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी की बात कर रहा था मैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होती। आप ग्राउंड क्लियरेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गाड़ी ले रहे हो तो भाई बिल्कुल भाई आप SUVs की जगह वरना लो भाई, आपको 4 मीटर की SUV लेने से अच्छा 4 मीटर से भी ज़्यादा लंबी गाड़ी ले लो, क्यों भाई। और बाकी सेडान का यार, तो सेडान देखो, सेडान क्या है भाई, ब्लूप्रिंट है भाई गाड़ियों में। जैसे आप सेडान हमेशा यार आउटर कंट्रीज में सेडान ही प्रीफर करी जाती ड्यू टू देयर लुक्स, ड्यू टू द अमाउंट ऑफ लग्जरी दे ऑफर, सब कुछ माइंड में रख के। यहाँ इंडिया में ही थोड़ा SUVs का ट्रेंड ज़्यादा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं यार, अपन ये ट्रेंड किल कर देंगे। चलो भाई मजाक से हट के, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, लेकिन यार कहीं ना कहीं वो जिनके माइंड में मिसकंसेप्शन बैठा हुआ है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। सब्सक्राइबर्स को देख कर ये मत सोचना भाई कि इतने कम सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब करो या नहीं भाई, छोटे चैनल को बड़ा करोगे तभी तो बड़ा बनेगा भाई ना। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।